नमस्कार दोस्तों, स्टडी 91 पर आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। तो आज हम सब आपको जो है रूबरू करेंगे विश्व के महान महासागरों के विषय में, ठीक ना। तो चूंकि विश्व में कुल महासागरों की संख्या 5 है और महाद्वीपों की संख्या 7 है, तो आज हम सब जलमंडल के महत्वपूर्ण टॉपिक महासागर से रूबरू होंगे। विश्व में आपको महासागरों में प्रशांत महासागर है, अटलांटिक महासागर है, आर्कटिक महासागर है, अंटार्कटिक महासागर है और आपको हिंद महासागर है। तो सभी महासागरों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातों को हम सब आज देखेंगे और पढ़ेंगे। तो आइए हम सब महासागरों के विषय में रूबरू होते हैं। ये आपको डायग्राम में दिया हुआ है। एक प्रश्न है कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, तो आप सबको पता है कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर होता है। विश्व का सबसे गहरा गर्त कौन सा है, तो मैरियाना गर्त विश्व का सबसे गहरा गर्त है जो प्रशांत महासागर में फिलीपींस द्वीप के समीप है। यश आकृति का ये देखो, यश आकृति कैसे बनाते हैं। अटलांटिक महासागर देख रहे हो, इधर भी आपको ए अफ्रीका है, इधर आपको देखिए ये आपको अफ्रीका है, ये एशिया है, अफ्रीका है, इधर दक्षिणी अमेरिका है, उत्तरी अमेरिका है, ये ग्रीनलैंड है। तो इसकी आकृति कैसी बन रही है बेटा, यस आकार की। तो अटलांटिक महासागर की आकृति कैसी है, यस आकृति की है। ये त्रिभुज जैसी बन रही है, बन रही है कि नहीं, ये ऐसे बनाओगे तो क्या है, त्रिभुज। पूछा है त्रिभुज की आकृति वाला कौन सा है, तो प्रशांत महासागर त्रिभुज के सबसे छोटा आपको कौन सा है, तो सबसे छोटा आर्कटिक महासागर जिसे उत्तरी ध्रुव महासागर भी कहते हैं, उत्तरी ध्रुव महासागर के रूप में भी जिसे जानते हैं, यही सबसे छोटा है। तो पहले आप लोगों के अंदर की जो जिज्ञासाएं हैं उन जिज्ञासाओं को शांत कर लिया जाए, तब आगे की ओर आइए हम सब बढ़ते हैं, ठीक ना। तो एकदम शानदार तरीके से अपनी तैयारी को जारी रखने के लिए क्लास के साथ लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो आइए, आप सबसे विनम्र निवेदन है कि एक बार क्लास को लाइक और शेयर करिए और श्रृंखला के साथ शानदार तरीके से जुड़िए। ये देखिए, अब हमारी संस्था की ओर से कुछ महत्वपूर्ण कोर्स संचालित है जिसमें आपको जो है आरओ से संबंधित आपको कोर्स जो है कि 499 रुपए में, ये हिंदी की कोर्स है, ठीक ना, ये हिंदी की आरओ से संबंधित आपको कोर्स मिलेगा। वहीं पे हिंदी इंडिविजुअल, सिर्फ और सिर्फ हिंदी इंडिविजुअल की बैच आपको मात्र 999 रुपए में उपलब्ध है, ये नितिन सर के द्वारा पढ़ाया गया है। वहीं यूपी टेट अभी काफी घमासान आप सबको न्यूज मिल रहा होगा यूपी टेट के विषय में, यूपी टेट आप परचेज कर सकते हो मात्र 999 रुपए में, आपको यूपी टेट की श्रृंखला उपलब्ध है, ठीक ना। तो ये शानदार तरीके से आप सबके लिए, ये आप यूपी टेट के लिए मात्र 999 रुपए पेड करिए और यूपी टेट की तैयारी अपनी प्रारंभ करिए, क्योंकि इस बार टेट में फॉर्म बहुत अधिक पड़ने वाले हैं। उसके पीछे का ये है कि शायद यूपी गवर्नमेंट के द्वारा कुछ नियमावली में बदलाव किया गया है और जब आप सुपर टेट देंगे तो उसमें टेट के भी मार्क्स जुड़ेंगे, ठीक ना। तो पहले आप टेट को शानदार तरीके से अपनी तैयारी करिए और अधिक से अधिक मार्क्स पाने का कोशिश करिए। और जिन भाई बंधुओं का आपको बहुत अच्छा सुपर टेट में मार्क्स हैं, उनको फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है, लेकिन वो सुपर टेट की तैयारी अपनी जारी कर सकते हैं। और सुपर टेट आपको जो है 1799 रुपए में हमारी संस्था आपको सुपर टेट के बैच उपलब्ध कराती है। एसएससी जीडी शानदार तरीके से 699 रुपए में हमारी संस्था के द्वारा पढ़ाया गया है, आप इसे परचेज कर सकते हैं और अपनी तैयारी को अंतिम दिशा और दशा दे सकते हैं, क्योंकि आपको एसएससी जीडी का पेपर भी जल्द ही होने वाला है। नेक्स्ट देखिए, आपको जो है 299 रुपए में वीडियो का मॉक टेस्ट, उन अभ्यर्थियों के लिए अभी भी मौका है, आप इसे परचेज कर सकते हैं। इसका एग्जाम आपको जो है मार्च के बाद शायद संपन्न हो, ठीक ना। तो उम्मीद है कि इसका मार्च के बाद, होली बाद इसका पेपर संपन्न हो और अपनी तैयारी को मजबूती के साथ जारी रखिए। ये सूचनाएं जो मिल रही है उसके आधार पर मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं। चलिए देखिए, महासागरों की बात हम लोग
करते हैं। ये महासागर ये पृथ्वी के 70% भाग पर जो है जल का विस्तार है, 70.8 यानी 71% भाग पर आपको जल है, जबकि 29% भाग पर आपको किसका विस्तार है, तो ये स्थल का विस्तार है, यानी कहीं न कहीं जल की मात्रा धरती पर अधिक है। इसी कारण आपको पृथ्वी को नीला ग्रह के रूप में भी हम सब जानते हैं, क्योंकि जल में हाइड्रोजन के अणुओं के प्रकीर्णन के कारण आपको जो है ऊपर से देखने पर आपको पृथ्वी कैसी लगती है, तो नीले प्रकार की लगती है। तो यहां पे आप याद रखिए, ये पृथ्वी के संपूर्ण पृथ्वी के 71% भाग जो है वो जल आच्छादित है, जबकि 29% भाग पर स्थल हैं, और इन्हीं इसी 29% भाग पर 7 महाद्वीपों को हम सब देखते हैं, ठीक ना। और आपको 71% भाग पर जो है कि 5 महासागरों को, कितने 5 महासागर आपको जो है देखने को मिलते हैं, ये बात भी आप याद रखिए, 5 महासागर हैं और आपको जो है कि 7 महाद्वीप देखने को मिलते हैं। पृथ्वी पर विद्यमान जल की कुल मात्रा का 97.25 भाग जो है महासागरों में है, जो कि खारा है, यानी पीने योग्य नहीं है, ये याद रखिएगा। पृथ्वी का जल से ढका भाग जल मंडल कहलाता है। पृथ्वी के लगभग 70.8% भाग पर जल मंडल का विस्तार हुआ है। उत्तरी गोलार्ध के लगभग 40% यानी ऊपर की ओर जल की मात्रा कम है, और दक्षिण की ओर आपको 81% जो है जल का विस्तार हुआ है। विश्व में कुल 5 महासागर हैं, ये याद रखिएगा कि धरती पर कुल 5 महासागर आपको विद्यमान हैं। इन्हीं 5 महासागरों के विषय में हम छोटी छोटी बातों को देखेंगे। ये देखिए, सबसे बड़ा आपको महासागर कौन सा है, प्रशांत महासागर, क्रम से हम सब अध्ययन करेंगे। यह पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर है और सबसे गहरा महासागर भी इसे ही जाना जाता है। क्षेत्रफल में देखिए तो लगभग आपको जो है कि 16,52,50,200 वर्ग किलोमीटर में इसका विस्तार है, ठीक ना, यानी 16,52,50,200 वर्ग किलोमीटर में इसका विस्तार है, और इसकी औसत गहराई आपको 4,280 मीटर मिलती है। दुनिया का सबसे गहरा स्थान जो है मैरियाना गर्त, जिसे हम सब जानते हैं, जिसकी गहराई आपको 11,033 मीटर है, ये आपको फिलीपींस द्वीप के समीप स्थित है और प्रशांत महासागर में ही स्थित है। प्रशांत महासागर पृथ्वी के धरातल के 1/3 भाग को आपको कवर करता है। कितने 1/3 भाग को कवर किसके द्वारा किया जाता है, तो प्रशांत महासागर के द्वारा किया जाता है। प्रशांत महासागर की आकृति लगभग त्रिभुजाकार है। कैसी आकृति है बेटा, तो इसकी आकृति त्रिभुज के आकार की है। प्रशांत महासागर का आधार अंटार्कटिक महाद्वीप पर है और शीर्ष जो है बेरिंग सागर पर है, ठीक ना, ये आप याद रखिएगा, बेरिंग सागर पर शीर्ष है। ये पीछे जब आप कवर पेज पर जाएंगे तो वहां आपको मिलेगा ऊपर की ओर बेरिंग सागर, जहां से आपको ग्रीनविच मीन टाइम का आपको जो है रेखाएं मुड़ती हैं। प्रशांत महासागर के पूरब में उत्तरी तथा दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है, पश्चिम में एशिया तथा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, और आपको जो है कि दक्षिण में अंटार्कटिक महाद्वीप स्थित है, ये बात, और उत्तर में यदि बात की जाए तो आर्कटिक महाद्वीप उत्तर में है, यानी आप ऐसे कह सकते हैं इसकी चौहद्दी के विषय में। ये देखिए, ये आप इसकी चौहद्दी बता सकते हैं इस तरीके से, याद रखिए किस तरीके से, तो उत्तर में आपको क्या मिलेगा, अंटार्कटिक, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ठीक। अब का कह रहा है कि उत्तर में आपको क्या है, तो उत्तर में अंटार्कटिक,
सॉरी आर्कटिक, आर्कटिक महासागर या बेरिंग सागर, बेरिंग सागर ये याद रखिएगा। और दक्षिण में अंटार्कटिक महासागर, पूरब में कहता है एशिया और पश्चिम में और ऑस्ट्रेलिया, ठीक ना, इसके ऑस्ट्रेलिया और एशिया के पूर्व में आपको स्थित है और पश्चिम में आपको जो है उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका एवं दक्षिणी अमेरिका, एवं दक्षिणी अमेरिका जो है इसके अमेरिका स्थित है, ये बात याद रखिएगा, अमेरिका ये याद रखिए। और इसकी आकृति आपको जो है किस तरह की है, ये यहीं पे जब आप आओगे तो एशिया में आपको जो है प्रशांत महासागर एशिया महाद्वीप में फिलीपींस द्वीप के समीप में आपको जो है मैं मिलेगा आपको। नेक्स्ट देखिए, आइए ये आपको जो है प्रशांत महासागर के विषय में हम सबने देखा। अब चलिए अगली महत्वपूर्ण बातों में, अंटार्कटिक महासागर। अंटार्कटिक महासागर ये विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है, कौन सा है तो दूसरा, ये दूसरा सबसे बड़ा महासागर, दूसरा सबसे बड़ा महासागर, महासागर। और इसका आकृति जो है, इसका आकृति कैसी है तो इसकी आकृति कैपिटल एस की तरह, इसकी आकृति कैसी है बेटा तो कैपिटल एस की तरह इसकी आकृति है। इसे दो भागों में विभाजित किया गया है, एक उत्तरी अटलांटिक महासागर, एक उत्तरी अटलांटिक महासागर और दूसरा जो है आपको दक्षिणी अटलांटिक महासागर, दक्षिणी अटलांटिक महासागर के रूप में इसे विभाजित किया गया है। ये प्रशांत महासागर का लगभग आधा भाग है, कैसा है तो प्रशांत महासागर का लगभग आधा आपको जो है यह विस्तार इसका हुआ है आकार में। ये आपको जो है इसका क्षेत्रफल आपको जो है 10,64,60,000 वर्ग किलोमीटर में इसका विस्तार हुआ है। वहीं पे इसकी औसत गहराई जो है 3,646 मीटर इसकी औसत गहराई है। अटलांटिक महासागर का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का लगभग 16% है, यानी संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का 16% भाग पर अटलांटिक महासागर स्थित है, ये बात आप सब याद रखिए, समझते चलिए। नेक्स्ट, इसकी आकृति अंग्रेजी के कैपिटल एस लेटर की तरह है। मध्य अटलांटिक कटक, ये आपको महत्वपूर्ण रूप से मध्य अटलांटिक कटक जो है ये किसमें है तो अटलांटिक महासागर में स्थित है। ये आपको मध्य अटलांटिक कटक पर है केप वर्डे द्वीप और पाइको द्वीप जो है, ये दोनों द्वीप इसी पर स्थित हैं। बरमुडा की प्रवाल भित्ति जो है ये आपको कहां है तो ये आपको इसी पर है, यानी अटलांटिक महासागर में ही बरमुडा ट्रायंगल कहां पाया जाता है, बरमुडा, बरमुडा ट्रायंगल, ठीक ना। ट्रायंगल आपको कहां है तो इसी पर है। साथ ही साथ सारगैसो सागर जो है बेटा, इसी महा सारगैसो सागर, सारगैसो सागर कहां है तो इसी महासागर में सारगैसो सागर आपको स्थित है। ये दोनों उत्तरी अटलांटिक महासागर में पाए जाते हैं, उत्तरी अटलांटिक महासागर में आपको दोनों पाए जाते हैं, ये बात भी आप सब याद रखिए, ठीक ना। नेक्स्ट, दक्षिणी भाग का नाम चैलेंजर कटक है और उत्तरी भाग का नाम डॉल्फिन कटक के रूप में आपको जाना जाता है। जब भी आपसे पूछे कि सर्वाधिक कटक किस आपको महासागर में पाए जाते हैं तो अटलांटिक महासागरों में सर्वाधिक कटकों का विस्तार अटलांटिक महासागर में ही हुआ है।
ये देखिए हमारे संस्था की ओर से कुछ महत्वपूर्ण किताबें लिखी गई हैं, जिसमें आप आपको जो है कि 299 रुपए में शानदार अपनी हिंदी श्रृंखला मिलेगी और आप इसे परचेज कर सकते हैं और ये आपके लिए काफी लाभकारी भी सिद्ध होगा। वीडियो की शानदार श्रृंखला 199 रुपए में आपको बुक जो है उपलब्ध है, आप इसे परचेज कर सकते हैं और इसके साथ ही आपको प्रैक्टिस सेट भी मिलेगा बेटा, ठीक ना। प्रैक्टिस सेट भी आपको वीडियो की किताब के साथ मुफ्त में दिया गया है। इसके अलावा आपको किसी तरह की होम डिलीवरी का चार्ज नहीं देना होगा, आपके द्वार घर बैठे आप मंगा सकते हैं। पेट की कम्बो बुक, ये 350 रुपए में आपको पेट की कम्बो बुक मिल जाएगी, आप इसे परचेज कर सकते हैं और खूब मन लगा के पढ़ सकते हैं, पढ़िए इसे मन लगाकर, ठीक ना। नेक्स्ट देखिए पेट की बुक, ये इसमें क्या है तो इसमें प्रैक्टिस सेट भी है, इसमें भी बेटा वहीं पे आपको पेट की बुक जो कि शानदार तरीके से लिखी गई है 300 रुपए में, इसमें मैं भी लिखने का प्रयास किया हूं, लिखा हूं, ठीक ना। मेरे और उमेश सर और नितिन सर के द्वारा ये किताब लिखी गई है, आप इसे परचेज कर सकते हैं। ये सभी किताबें लगभग लगभग जितनी किताबें हैं सभी किताबों को लिखने का प्रयास मैं भी किया हूं, मेरे द्वारा भी किया गया है। ये आरओ की शानदार श्रृंखला आपको जो है हिंदी की जबरदस्त बुक हिंदी, आप इसे परचेज कर सकते हैं, ये शानदार तरीके से आप अपनी पढ़ाई जारी कर सकते हैं। साथ ही साथ लेखपाल की कम्बो बुक भी आपको उपलब्ध है। लेखपाल की कम्बो बुक में चार किताबें आपको हैं, इसमें आपको जीएस की है, ग्रामीण है, हिंदी है और आपको मैथमेटिक्स है, तो चारों श्रृंखलाएं आपको ये उपलब्ध है, हमारी संस्था के द्वारा आप इसे परचेज कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए मेक्सिको की खाड़ी, हडसन की खाड़ी, बेसिन की खाड़ी, बाल्टिक सागर, उत्तरी सागर, कैरेबियन सागर, अटलांटिक महासागर के साथ ही ये सभी जितने आपको खाड़ियां और सागर हैं ये सभी जुड़े हुए हैं। वैसे पहले हम लोग पढ़ते थे मेक्सिको की खाड़ी विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी है, लेकिन अब बदलाव आया और इसमें ये हुआ कि बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल जो है ये सबसे बड़ी खाड़ी के रूप में जाना जाता है, जबकि मेक्सिको की खाड़ी सबसे चौड़ी खाड़ी के रूप में हम मेक्सिको की खाड़ी को याद करते हैं। नेक्स्ट देखिए सारगैसो सागर, ये उत्तरी अटलांटिक महासागर में है, गल्फ स्ट्रीम कनारी की ओर आपको जो है, और विश्वत उत्तरी विश्वत रेखीय जलधाराएं ये सभी आपको कहां बहती हैं तो ये अटलांटिक महासागर में ही बहती है और उत्तरी अटलांटिक महासागर में ही मुख्य रूप से आपको पाई जाती है, ठीक ना। ये देखिए सारगैसो सागर में जड़विहीन सारगैसम नामक घास होता है जिसके कारण इसका नाम सारगैसो सागर पड़ा। ये कोई सागर नहीं है बेटा, सारगैसो घास का नाम है और उसी के नाम पर आपको सारगैसम सागर पड़ा, ठीक ना। सारगैसो सागर में अटलांटिक महासागर की सर्वाधिक लवणता पाई जाती है और सारगैसो सागर को जो है महासागरीय मरुस्थल के रूप में भी इसे जाना जाता है, तो ये बात आप याद रखिए, ठीक ना। तो चलिए शानदार तरीके से अगले महत्वपूर्ण महासागर के विषय में देखते हैं। ये हिंद महासागर, हिंद महासागर के नाम पर ही भारत का नाम हिंदुस्तान पड़ा, ये बात भी आपको याद होना चाहिए। ये हिंद महासागर जो है विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है, विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है। इसकी आकृति नहीं है, इसकी आकृति नहीं है, ठीक ना, इसकी आकृति नहीं है, ये बात आप नहीं है ये याद रखिएगा, आकृति विहीन है, इसकी कोई एक निश्चित आकृति नहीं है, ठीक। ये पृथ्वी का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है। आपको जो है कि हिंद महासागर के पूर्व में ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, पश्चिम में अफ्रीका महाद्वीप, दक्षिण में अंटार्कटिक महाद्वीप और उत्तर में एशिया महाद्वीप स्थित है, यानी इसकी आपको चौहद्दे उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, आप चौहद्दे जो है इसकी चौहद्दे कैसी है तो आप बता सकते हैं कि ये आप नॉर्मल तरीके से अपने पेन कॉपी के द्वारा भी इसे ड्रॉ कर सकते हैं बेटा। देखो इसकी चौहद्दे को बताने में कोई भी आसानी से सभी की चौहद्दे आप बता सकते हो। देखो उत्तर दक्षिण पूर्व पूर्व
आपको और पश्चिम यही कहता है, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट ये आपको कहता है। तो अब आप अपने इमेज करो, कल्पना करो कि उत्तर में क्या हो सकता है। तो उत्तर में एशिया महाद्वीप, एशिया महाद्वीप। आप सबको पता होना चाहिए कि हिंद महासागर जो है हिंदुस्तान से, हिंदुस्तान के नीचे का भाग जो है ये हिंद महासागर है, तो ऊपर एशिया महाद्वीप है। अब पूरब में क्या है, तो पूरब में ऑस्ट्रेलिया है, ये भी आपको पता है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप पूरब में है। अब ऑस्ट्रेलिया के ठीक उस पटरी पे यदि वर्ल्ड मैप को देखो तो यहां पे आपको जो है क्या आएगा, तो अफ्रीका महाद्वीप, ठीक ना, अफ्रीका महाद्वीप के रूप में आपको ये आएगा। और दक्षिण का भाग इसका जो है ये आपको अंटार्कटिक, अंटार्कटिक महाद्वीप आपको इसका दक्षिणी भाग आएगा। आप सबको पता होना चाहिए कि अफ्रीका महाद्वीप ये जो ये टोटल ये चौहद्दी किसकी है, तो ये चौहद्दी है, चौहद्दी हिंद महासागर की है, ठीक ना, हिंद महासागर ये याद रखिएगा, हिंद महासागर की ये पूरी चौहद्दी हुई, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम ये आपको बातें हुई। अब यहीं से देखिए, देखिए ये आपको जो है कि हिंद महासागर में ये लाइन, अभी देखिए हिंद महासागर का क्षेत्रफल आपको जो है ये कितना है, तो लगभग आपको 73,34,42,700 वर्ग किलोमीटर में आपको इसका विस्तार हुआ है, ये आप याद रखो, ठीक ना, ये विस्तार है। और इसकी औसत गहराई 4000 मीटर आपको औसत गहराई है। नेक्स्ट देखिए आपको जो है रीयूनियन और मॉरिशस द्वीप हिंद महासागर में स्थित आपको ज्वालामुखी द्वीप के रूप में है। मेडागास्कर हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप माना जाता है। वहीं डियागो गार्सिया हिंद महासागर में स्थित एक महत्वपूर्ण द्वीप है। 90 ईस्ट रीज जो है नामक कटक हिंद महासागर में ही स्थित है। साथ ही साथ हिंद महासागर की ओर आपको जो है कि एशिया द्वीप द्वारा घिरा हुआ है तीन ओर से, ठीक ना, ये आपको जो है उत्तर की ओर से एशिया महाद्वीप से, इसी कारण इसे अर्ध महासागर के रूप में भी जाना जाता है। हिंद महासागर को प्रायद्वीपीय भारत को दो भागों में विभाजित करता है, जैसे ये बंगाल की खाड़ी को और आपको अरब सागर में बांटता है। जब भारत के नक्शे को आप देखोगे तो भारत का ये भाग ये है ना, तो इधर बंगाल की खाड़ी है और इधर का भाग जो है अरब सागर ऊपर की ओर है और नीचे हिंद महासागर है, ये सभी याद रखे रहिएगा, ठीक ना। तो ये आपको विभाजन करने का काम भी इसी के द्वारा किया जाता है। हिंद महासागर के उत्तर पश्चिम में आपको जावा द्वीप है और हिंद महासागर में ही विश्व का सर्वाधिक द्वीपों वाला देश इंडोनेशिया, ठीक ना, आप सबको याद होगा इंडोनेशिया जो है इसी में स्थित है, ये महत्वपूर्ण बातें भी आप लोग याद करते चलिए। देखिए ये नितिन सर के द्वारा हिंदी इंडिविजुअल की शानदार श्रृंखला आपको पढ़ाई गई है, आप इसे परचेज कर सकते हैं और अपनी तैयारी शानदार तरीके से जारी रख सकते हैं। तो आप सबके लिए अपनी तैयारी को अनवरत रूप से जारी रखने के लिए एकदम जबरदस्त तरीके से नितिन सर के द्वारा कोर्स आपको हिंदी का इंडिविजुअल पढ़ाया गया है, आप इसे पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट देखिए ये आर्कटिक महासागर, ये विश्व का चौथा महासागर है जो पूर्ण रूप से दक्षिणी ध्रुव में स्थित है। इसे दक्षिणी ध्रुवीय महासागर के रूप में भी आपको जाना जाता है। इसका विस्तार 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश में आपको हुआ है। ये पूर्णतः आर्कटिक महाद्वीप से घिरा हुआ है, ये लाइन आप सब याद कर लो, ठीक ना, ये पूर्णतः आर्कटिक महाद्वीप से घिरा हुआ है। नेक्स्ट देखिए ये आर्कटिक महाद्वीप यह विश्व का पांचवा महासागर है, ये बात, और यह पूर्णतः उत्तरी ध्रुव में स्थित है। यह विश्व का सबसे छोटा और उथला सागर है, उत्तरी ध्रुव महासागर भी इसे कहा जाता है। इसी महासागर में विश्व का सबसे बड़ा आपको जो है द्वीप कौन सा है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड द्वीप, ग्रीनलैंड द्वीप
इसी महासागर में आपको स्थित है, ये बात भी याद रखिएगा, ये स्थित है, ये महत्वपूर्ण रूप से ग्रीनलैंड द्वीप आपको इसी महासागर में स्थित है। ग्रीनलैंड द्वीप विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप, ठीक ना, बड़ा द्वीप के रूप में आप इसे याद करते हैं, जानते हैं। तो ये सभी बातें आप सबने देखा, चूंकि पांचों महाद्वीपों के महासागरों के विषय में हम सबने अध्ययन किया। उम्मीद करता हूं कि चीजें आपको बेहतर तरीके से समझ में आ रही होंगे। नितिन सर के हैंड रिटेन नोट्स हैं, शानदार तरीके से नितिन सर के द्वारा पढ़ाया गया है, आप इसे परचेज कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं और अपनी तैयारी को सही दिशा और दशा दोनों दे सकते हैं। तो ये आपको यूट्यूब पे नितिन सर ने जो हूबहू पढ़ाया है वही चीजें आपको हैं, और ये नोट्स पीडीएफ के रूप में है, ठीक ना बेटा, ये किताब नहीं है, पीडीएफ के रूप में है, आप इसे परचेज कर सकते हैं। इसमें आपको प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन, आधुनिक, सामान्य हिंदी, इंडियन ज्योग्राफी, भारतीय व्यवस्था, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, सभी की आपके नोट्स उपलब्ध हैं। तो आप इसे जरूर से पढ़ें, परचेज करें और अपनी तैयारी को सही दिशा दें। तो चलिए आज यहीं तक, मिलते हैं एक शानदार अगली श्रृंखला में। तो आज की श्रृंखला यहीं तक, शानदार तरीके से अपनी तैयारी जारी रखें। आशा उम्मीद करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और खूब मन लगा के पढ़ेंगे। तो जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, वंदे मातरम।